को डेकोरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। कोशिश करते हैं। सो एक्चुअली गाइस ये सेकंड पार्ट अब तैयार होगा। हम जानते हैं थोड़ा लेट बन रहा है, बट यार एडजस्ट कर लो ना। और अब हम ट्री की डेकोरेशन करेंगे। देख सकते हो यहीं पे रखा हुआ है, सी का दिख रहा होगा आपको शायद, है ना। तो इसके अब हम डेकोरेशन करेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, और कैसे डेकोरेशन होगी, किस तरीके से, मतलब कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया डेकोरेशन हो, ठीक है। और जो भी जितने भी सब डेकोरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको उन सबसे एक बार मिलवाता हूँ। 1 2 हैप्पी मैरी क्रिसमस गाइस। ये सब मतलब है भी, है ना। और अभी हम सब मिलके ट्री को रेडी करेंगे, इस वाले को आपको दिख रहा होगा, देखते हैं किस तरीके से एडिट होता है क्या है। अभी भी बोल रहा हूँ थोड़ा, चलो मैं आपको दिखला ही देता हूँ मैं कितना वेट कर रहा हूँ। और अभी हम सब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज इस ट्री का थोड़ा सा है सिनेमा इफेक्ट, वीडियो देख लीजिए और कमेंट में बताना कैसी है। तो वीडियो देखो। तो गाइज अभी ये लोग कर रहे हैं, और ये इसका स्टैंड है, मतलब ट्री का सामान ना उन्होंने ऐसे लगा कर दे दिया, तो मींस जब वो निकालते हो निकाल नहीं पाते। देखो वहाँ पे, और ये लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप हार्ड है यार, बहुत ज्यादा जी हो रहा है, वो गिर जाएगा, गिर जाएगा। दिखाओ दिखाओ साइड, शायद इधर का है, मुझे लग रहा है। ये लगा दिया है स्टैंड, और अभी हम लोग इसे खोलेंगे, तो इसे ओपन करते हैं। ओपन करो जल्दी से। सो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, इसको बराबर में कर दो। मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। कोशिश करो कि मतलब इसको बिल्कुल सीधी सीधी, क्यूट है ये, मतलब इसको बिल्कुल सीधी सीधी में रखो। तो गाइस आप देख सकते हैं पापा भी आ गए हैं, और ये भी अब हमारी थोड़ी सी हेल्प करेंगे ट्री को सजाने में। जैसा कि गाइस आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे बच्चे कितने इफेक्टिव है क्रिसमस को लेके, और ये देखो कैसे बच्चे क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं। और इन्होंने कल पूरे दिन भर खरीदारी करी, ये बच्चे छोटी बड़ी दुकानों पर गए और अपने मनपसंद की सारी चीज़ें ली इन बच्चों ने, और बच्चे बड़ा मन लगा के इस क्रिसमस ट्री को सजा रहे हैं कि सेंटा क्लॉज आएंगे और इनकी मन की सब ख्वाहिश पूरी करेंगे। सो गाइस अभी बॉल्स लग गए हैं इसके ऊपर, और स्टार भी, मतलब यार कितने टाइम लग रहा है, और कोशिश तो कर ही रहे हैं, मतलब एक तरीके से थोड़ा डिफिकल्ट है इसे लगाना, मतलब ट्री को डेकोरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती गाइस, ये तो जानते हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दिस इज मैंने लगा दिया, ये लगता दीदी ने वो लगा दिया है। मेरे को ये बहुत बहुत प्यारी लगी। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, कोई बच्चा बॉल लगा रहा है, कोई स्टार लगा रहा है, और कोई कैंडी, कोई टॉफी, अलग अलग प्रकार से क्रिसमस ट्री को सजा रहे हैं। और ये बच्चे देखो कितना मन लगा के, कितने बिल्कुल एकदम मन लगा के इस चीज़ को, क्रिसमस ट्री को सजा रहे हैं। देखो गाइस। सो गाइस अब हमारा ट्री फाइनली मतलब तैयार हो गया, अब इसके अंदर हम लगाएंगे लाइट। टच होने वाला है, और ये हमें बहुत मजा आया आज, मतलब थोड़ा सा टाइम भी लगी और मजा भी आया। और मुझे ये सबसे ज्यादा मुझे पता है कितना क्यूट लगा ये स्नो मैन, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये। मुझे तो ये वाली बहुत।
सो गाइस अब हम लाइट लगाएंगे और देखते हैं मतलब लाइट लगा के कैसा लगता है। और इनको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, अब मैं वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो ना बने। अब हम पूरी दिखला के तो मैं लाइट लगाता हूँ और लाइट लगा के फिर मैं आपको पूरी मतलब लाइट ऑन करके दिखलाता हूँ। ओके गाइस, सो गाइस आप देख सकते हैं ये हमने इसके ऊपर लाइटिंग लगा दी है और अभी हम इसको ऑन करेंगे। अभी आप बिना लाइटिंग के देख लो कि वीडियो कैसी लग रही है। ओके, तो अपनी रिंग लाइट ऑफ करेंगे। तो ये लाइट हमने ऑन कर दी, ये ऑफ कर दी और देखो ये हम लोगों की मेहनत, मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे एक मिनी ट्री है छोटा सा। ओके गाइस, फाइनली बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा ट्री तैयार हो गई है ना। और कमेंट में अभी बोल रहा हूँ, कमेंट में जरूर बताना कि ट्री कैसा है। और हमने काफी मेहनत करी है, इसके अंदर ही हमारा सेकंड ब्लॉग है। और कुछ चीज ऐसी जो हमने हैंडमेड बनाई है, कुछ चीज ऐसी जो हमने खुद बनाई है पर्सनली इन सब बच्चों ने मिलके। और हमने बहुत ज्यादा कल से लगे हुए हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा मेहनत करी हम लोगों ने। और अभी हम ये नहीं जानते कि वीडियो पे क्या रिजल्ट आएगा, फर्स्ट वीडियो पे तब खुद जाके देख सकते हो कि कैसा रिजल्ट है। यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो जाके। और जो हमने शॉपिंग करी थी, ओके गाइस, और ये सब वही है। एंड तो गाइस अब वीडियो यहीं तक ही एंड होती है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। देखो अगर आप लाइक करोगे हमें अंदर से और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना, अगर अच्छी नहीं भी लगती तो कमेंट में बताओ अच्छी क्यों नहीं लगती, कमेंट करना जरूर, बट ये बताना। और अगर आप लाइक करोगे तो अंदर से ज्यादा मोटिवेशन आएगा मैं वीडियो बनाने के लिए। और हम ब्लॉग्स पे कंटिन्यू रहेंगे। कंटिन्यू आपको जो ब्लॉग मिलने वाला है नेक्स्ट, वो 2 तारीख को मिलेगा, मैं फाइनली बता रही हूँ। बट अभी वो बहुत अच्छा मिलेगा, मैं ये नहीं बता रही कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बट वो सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है। और हाँ एक चीज और गाइस, आपको हम सबकी तरफ से हैप्पी मैरिज ओके एंड हैप्पी न्यू एडवांस, ठीक है। तो ओके बाय बाय, टाटा सी यू, सब अपना ख्याल रखना, ठीक है। जय हिंद जय भारत, ओके बाय गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।